हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं एन पंडित। आइए हम आज अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड सिस्टम, जो कि डुअल बूट आप यूज कर सकते हैं। आपको विंडोज़ भी यूज कर देंगे और दूसरा आपको एंड्रॉयड सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ चलता है और इसमें आप काफ़ी स्मूथ तरीक़ा से एंड्रॉयड का आपका 12 वर्जन है, काफ़ी स्मूथ तरीके से चलता है। तो भी पूरी तरह से आपको सिस्टम बाय सिस्टम हम करके दिखाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको दो सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। एक तो आपको इसका ब्लिस का सॉफ्टवेयर, जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें आपको एंड्रॉयड का 12.12 वर्जन आपको है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मगर यहाँ से आपको शायद पेमेंट के लिए इशू हो रहा है यहाँ पर, तो आपको डोनेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहेंगे आप। तो इसको डाउनलोड करने का थर्ड पार्टी तरीका है कि आप यहाँ से, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन। तो आइए हम दिखाते हैं अपना कंप्यूटर में अभी हम। और दूसरा आपको रूफस का सॉफ्टवेयर है, जो आपको बूट बनाना है पेन ड्राइव में। आपको ये आपको यहाँ से आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। साथ में आपको जो आपको कंप्यूटर में है, अलग से आपको एक ड्राइवर आपको क्रिएट करना होगा, क्योंकि आपको डुअल बूट चलाना है, विंडोज भी चलाना है आपको और एंड्रॉयड भी चलाना है। तो आपको डुअल बूट क्रिएट करना पड़ेगा अलग से, और ये ड्राइव को आपको साइज आपको पता रख लेना है, या तो यहाँ से नाम आपको चेंज कर देना है आपको, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा ड्राइव आप यूज कर रहे हैं। इस तरह से आपको जो भी होगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्राइव का आपको नाम चेंज करेंगे तो आपको ये जब एंड्रॉयड सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे, आपको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये खोल लेना है रूफस, और ये जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, आपको करीबन 1.5 GB का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जो कि मैंने ये वेबसाइट से यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखा था ऑलरेडी। ये सॉफ्टवेयर आपको है तो 1.5 GB का सॉफ्टवेयर, अभी लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ से आपको पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लिया है, और इसको पेन ड्राइव पे कुछ चाहिए आपको बूटेबल बनाने के लिए, और यहाँ से आपको जो ये सॉफ्टवेयर है इसको आपको ओपन कर लेना है। और आपको देख लेना है कि कंप्यूटर में आपको MBR सपोर्ट करता है कि GPT सपोर्ट करता है, वो आपको सिलेक्शन करना है। जो भी कंप्यूटर में आपको MBR वाला होगा तो MBR सिलेक्शन करना है, GPT होगा तो GPT सिलेक्शन करना है। ये दोनों सिलेक्शन करने के बाद में बाकी सारे डिफॉल्ट रहने दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। और इसको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है बूटेबल, जो कि आपको दिखा देते किस तरह का आपको देखेगा बूटेबल पेन ड्राइव। ये आपको बूटेबल पेन ड्राइव है, वो आपको इस तरह से देखेगा पूरा ये। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपना आप लैपटॉप में लगा कर इंस्टॉल करते हैं। तो अभी अपना लैपटॉप में हमने पेन ड्राइव लगा लिया है, और यहाँ से अभी हम इसको पावर ऑन करेंगे। और आपको जो भी BIOS का ऑप्शन आएगा सिलेक्शन करने को, आपको सिलेक्शन करना है। हमारे पास HP का लैपटॉप है, इसका 9 सिलेक्शन करते हैं। तो बूट मेनू आ जाता है कि आपको कौन सा पेन ड्राइव सिलेक्शन करना है, क्या सिलेक्शन करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी 2-3 यहाँ पर बूट इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर सिलेक्शन करेंगे जिसमें हमारा पेन ड्राइव आ जाएगा। ये टच स्क्रीन लैपटॉप, इसलिए हम हाथ से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो पेन ड्राइव बूटेबल बना हुआ है, इसमें आपको इस तरह का ऑप्शन आपको आता है। तो आपको नीचे लेके जाना है, यहाँ से आपको नीचे ले जाना है। उससे पहले आपको देख लेना है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है इंस्टॉलेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे पहला हार्ड डिस्क आपको सिलेक्शन करना है, कि जो भी आपको हमारा जो ये वाला, इसमें आपको मेरा क्या है कि विंडोज इंस्टॉल किया हुआ इस ड्राइव में, दूसरा वाला ड्राइव है इस वाला में हमने बनाया है कि एंड्रॉयड सिस्टम के लिए। तो यानी यहाँ पर आप ड्राइव का नाम रख लेते तो आपको नाम भी शो करेगा। तो हमने ये नीचे वाला ड्राइव है मेरा 43 MB का, इस वाला हमने ये एंड्रॉयड सिस्टम के लिए बनाया हुआ है। तो आपको ड्राइव सिलेक्शन करना है ध्यान से, ना तो आपको जो विंडोज वो भी आपको पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, डाटा भी लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से आपको ड्राइव आपको सिलेक्शन कर लेना है पहले से।
और यहाँ से सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद में आपको सेकेंड नंबर वाला करना है, आपको डू नॉट रिफॉर्मेट वाला नहीं, आपको ये सेकेंड नंबर उस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ये फॉर्मेट करने के लिए बोलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको मेमोरी साइज जो है आप काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो आपको इस करके क्लिक कर लेना है। साथ में आपको ये फॉर्मेट हो जाएगा कुछ देरों में। तो यहाँ से भी फॉर्मेट हो गया है, यह गाड़ी का सिस्टम। और यहाँ से भी आपको चाहते हैं कि मेनू आपको डुअल बूट मतलब स्टार्ट हो, तो आपको डुअल बूट के मेनू आए तो आपको एस पर क्लिक करना है। और ये आपको एक्स्ट्रा आपको इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया अभी। यहाँ पर आपको रिबूट करना है, एक बार रिबूट करेंगे पूरी तरह से आपको क्लीन हो जाएगा। तो रिबूट पर क्लिक कर लेंगे, कंप्यूटर आपको दोबारा से रिस्टार्ट होगा। साथ में आपको पेन ड्राइव यहाँ से निकाल लेना है, अभी आपने जो इंस्टॉल किया वो चालू होगा। फिर आपको अभी विंडोज़ पर डायरेक्ट आपको इंस्टॉल चालू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि मेनू दबा लेना है, आपको जो बूट मेनू आपको जो भी सिलेक्शन करना है। देख लीजिए आप विंडोज़ पर चला गया हमारा ये, तो हम बंद करेंगे एक बार। कंप्यूटर को बंद कर दोबारा से चालू करेंगे इसको। और यहाँ से आपको बूट मेनू में सिलेक्शन करना है आपको दोबारा से, जैसे आप इंस्टॉल किए थे पेन ड्राइव में। तो यहाँ पर अभी आ गया ऑप्शन, तो हमारा ये फर्स्ट वाला विंडोज है, दूसरा वाला आपको हमारा ये एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। दूसरा नंबर अभी देख लीजिए अभी आ गया, तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाला ऊपर का है आप सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि हमने अभी क्या क्या इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी। अब ये कंप्यूटर में शो करा अभी कि पेन ड्राइव भी मैंने निकाल लिया यहाँ से, इस पर क्लिक करेंगे। अभी कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आपके इस तरह से आपको विंडोज पूरा चलेगा। और अभी ये एंड्रॉयड सिस्टम अभी चालू हो रहा है ब्लिस का, जो कि काफ़ी स्मूथ चलता है। इसका पूरा तरह से हम दिखाएंगे आपको कि वाईफाई हुआ और ब्लूटूथ का किस तरह से काम कर रहा है। इसमें आपको कीबोर्ड आपको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड ही आपको यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें मैंने चेक किया था पहले कीबोर्ड काम नहीं करता। साथ में आपको एंड्रॉयड का इसमें प्ले स्टोर आपको जो गूगल है आपको प्ले स्टोर वो नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी आपको प्ले स्टोर मिलेगा। साथ में आपको जीमेल आईडी है, उसमें आपको अलग से आएगा गूगल अकाउंट लॉगिन करने का, जी ड्राइव उसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी आपको सिलेक्शन करना है कर सकते हैं। हमारे पास टच स्क्रीन लैपटॉप है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो अभी कुछ परमिशन मांग रहे हैं, इसको परमिशन हम दे देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं माइक्रो जी का है, इससे आप गोल्ड अकाउंट वो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से ऑटो रोटेशन हमको पहले आपको परमिशन दे देना है यहाँ से। देख सकते हैं कि आपको इस तरह से आपको देखेगा पूरी तरह से ये।
सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन हुआ, ये आपको प्ले स्टोर ऐसा काम करते हैं, जहाँ से थर्ड पार्टी इसका है, एरोरा स्टोर शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ भी आप जीमेल आईडी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम दिखा देते हैं आपको पहले यहाँ से और कुछ सेटिंग में आपको किस तरह से मिलता है। यहाँ से फुल कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। यहाँ से आप वाईफाई हुआ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं करेगा। देखिए हम यहाँ पर जी दबा रहे हैं, यहाँ पर शायद देखिए देखिए ई भी दबा रहे हैं यहाँ से हम, मगर वहाँ पर लिख रहा है तो कीबोर्ड ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। सबसे पहले आप कीबोर्ड सेटिंग कर लीजिए। यहाँ से जाइए, कीबोर्ड है, यहाँ से आपको फिजिकल कीबोर्ड ओपन कर लेना है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑलरेडी चालू है। ये आपको एक्टिवेट कर लेना, साथ में आपको दिखा देते हैं कि एंड्रॉयड के इसमें 12 वर्जन आपको मिला हुआ है, देख सकते हैं एंड्रॉयड का 12 वर्जन है। तो अभी हम इसका वाईफाई कनेक्ट करते हैं। ये हमारा फ़ोन का ही वाईफाई है। तो यहाँ से आप कीपैड से, आप यहाँ से आपको वाईफाई देख सकते हैं, हमारा वाईफाई इधर कनेक्ट हो गया है। और साथ में इसको यहाँ से आप क्रोम ब्राउज़र भी आपको इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल होगा, यहाँ से आप दूसरा ब्राउज़र यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स है वो आप यूज कर सकते हैं। साथ में डिफ़ॉल्ट भी आपको ब्राउज़र मिल जाएगा, चलाने में काफ़ी स्मूथ है। कोई भी एप्लीकेशन खोलिए फटाफट इसमें चलेगा, काफ़ी फास्ट चलता है। सेटिंग इसका काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं सेटिंग में पूरा पूरा फ़ोन की तरह सारे कुछ आपको है, और मल्टीपल आपको चला सकते हैं एप्लीकेशन, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगा, काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये आपको जी ड्राइव जिसे आप जीमेल आईडी हुआ आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा पूरा, और आपको जैसे यहाँ से रिस्टार्ट करेंगे तो आपको फिर आपको विंडोज भी चला सकते हैं, डुअल बूट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं होता जो भी आपको बूट मेनू आता है, यहाँ से आपको F9 या तो 11, 12, आपको 10 होगा, जो भी होगा आप सिलेक्शन करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एंड्रॉयड सिस्टम है आप विंडोज में चला सकते हैं डुअल बूट के साथ। चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ भी पूछताछ करना हो तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है इसका डाउनलोड करने का लिंक।